लेके जाएंगे। देखिए, हमने कल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को डिस्कस किया था और क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में हमने उसकी प्रॉपर्टीज देखी थी। ठीक है, जो प्रॉपर्टीज हमने देखी थी सम के फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में, और देन हमने प्रॉपर्टी उनकी देखी थी रेसिप्रोकल के फॉर्म में। ठीक हो गया, अब उन प्रॉपर्टीज को प्रॉपर हम यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। देखें, एवेल्युएट, तीन एक्सप्रेशंस मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, इनको क्या कहते हैं कि फाइंड करें इनके वैल्यूज को। देखें, वन तो एज इट इज आ जाएगा मेरे पास, मैं जो अवेयर हूं वो है वन प्लस ओमेगा स्केयर इक्वल्स टू जीरो। फिर मैं अवेयर हूं वन प्लस ओमेगा दैट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्केयर। फिर मैं अवेयर हूं वन प्लस ओमेगा दैट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्केयर एंड वन प्लस ओमेगा स्केयर दैट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा या ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, ठीक है, मेरे पास नेगेटिव है तो नेगेटिव से तो हम अवेयर नहीं है। अच्छा, पॉसिबिलिटी क्या है यहां पे, अगर मैं यहां से माइनस भी कॉमन ले लूं और थ्री भी क्या ले लूं कॉमन, तो ये मेरे पास बन जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर और इसकी होल पावर बाहर क्या आ जाएगी, ये 5 आ जाएगी। ठीक है, खैर, अब ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है ये हमारे पास अवेयर है, नाउन है, दैट इज 1 प्लस ओमेगा स्केयर किस चीज के इक्वल था, जीरो के। और यहां से अगर मैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर की बात करूं तो ये किस चीज के इक्वल हो जाएगा, माइनस वन के। इसका मतलब इसकी जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, मैं माइनस वन सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। ठीक है, तो ये बन जाएगा मेरे पास वन माइनस थ्री इंटू माइनस वन इट्स पावर फाइव। ओके, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यह जाएगा थ्री वन जा थ्री पावर फाइव, थ्री प्लस वन द रिजल्ट इज फोर एंड इट्स पावर फाइव। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे फोर की पावर फाइव को, समझ आ रही है बात की, यहां पे जो भी रिजल्ट आएगा वो इसकी क्या होगी, एवेल्युएशन हो जाएगी। ठीक है, किसको यूज किया हमने, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में प्रॉपर्टीज को, और कौन सी प्रॉपर्टीज को, सम ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू व्हाट, जीरो है। यहां पे आए, देखें, मैंने ओमेगा को कुछ नाम असाइन किया था, दैट इज माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट थ्री डिवाइडेड बाई टू। ठीक हो गया, अगर मुझे यहां पे माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट थ्री, ये टू डिवाइडर यहां पे जाएगा, क्या जाएगा, मल्टीप्लाई। तो अगर मैं टू ओमेगा की बात करूं बेटा, तो टू ओमेगा क्या बनेगा, माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट थ्री या माइनस वन प्लस अंडर रूट थ्री आयोटा, एक बात ही होगी। अच्छा, फिर मैंने असाइन किया था नेम ओमेगा स्क्वायर को माइनस वन माइनस माइनस अंडर रूट थ्री डिवाइडेड बाई टू। अच्छा, ये टू डिवाइड यहां पे जाएगा, क्या हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये टू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन माइनस माइनस अंडर रूट थ्री। तो ये जो दो वैल्यूज हैं ये मैं यहां पे यूज करूंगा, अभी इसको मैं क्या वैल्यू असाइन करूंगा, किस चीज के इक्वल आ जाएगा, टू ओमेगा और इसकी पावर क्या जाएगी, बाय सिक्स प्लस यहां पे क्या बन जाएगा, ये टू ओमेगा स्क्वायर इट्स पावर सिक्स है। ये पावर असाइन करेंगे तो ये बन जाएगा मेरे पास टू पावर सिक्स इंटू ओमेगा सिक्स प्लस ये बन जाएगा टू पावर सिक्स इंटू ओमेगा ट्वेल्व। ठीक है, तो यहां से अगर टू की पावर सिक्स में क्या ले लूं, कॉमन, टू की पावर सिक्स मेरे पास क्या आ गया जी, कॉमन, तो यहां पर बच जाएगा मेरे पास ओमेगा सिक्स प्लस ओमेगा ट्वेल्व। ठीक है, टू पावर सिक्स, ओमेगा सिक्स का मतलब क्या है, ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, क्योंकि थ्री टू जब वापस क्या आ जाएगा सिक्स, और ओमेगा ट्वेल्व का मतलब क्या है, ओमेगा क्यूब की पावर फोर, क्योंकि फोर थ्री क्या होता है ट्वेल्व, टू पावर सिक्स, ओमेगा क्यूब की जगह पे क्या आ जाएगा वन, और वन का स्केयर क्या आ जाएगा वन, यहां पे आ जाएगा ओमेगा क्यूब वन आ जाएगा, वन की पावर फोर क्या आ जाएगा वन, वन प्लस वन टू, और बेसिस क्या इनकी सेम, यानी ये बन जाएगा टू पावर सिक्स इंटू टू पावर वन दैट इज इक्वल टू टू पावर सेवन, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 128 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, इसकी सिंप्लीफिकेशन आ गई है। ओके, यहां पे आएंगे तो ओमेगा पावर माइनस 13 प्लस ओमेगा पावर क्या, माइनस 17 है। ओके, ये ओमेगा पावर माइनस 13, तो इसको मैं लिख सकता हूं ओमेगा 13 1 ओवर ओमेगा 13 प्लस ओमेगा 17 1 ओवर ओमेगा 17, चूंकि पावर को हमने क्या करना था, पॉजिटिव करना था। ठीक हो गया, नेक्स्ट ओमेगा 13 है, इसको लिखूं ओमेगा इंटू ओमेगा 12 लिख सकता हूं ना, प्लस वन ओवर ओमेगा इंटू ओमेगा, सॉरी ओमेगा स्क्वायर इंटू 15। अच्छा, मैंने इस पावर को उस नंबर पर लेके जाना है, ठीक हो गया, जिसमें थ्री का मल्टीपल मिले मुझे, 12 में थ्री का मल्टीपल है और फिर 16 में थ्री का मल्टीपल नहीं था, सो ये बन जाएगा मेरे पास वन ओवर ओमेगा इंटू
ओके, ओमेगा क्यूब की पावर क्या आ जाएगा 4, चूंकि 4 थ्रीज़ आ 12 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर एज इट इज, और ये बन जाएगा ओमेगा क्यूब की पावर 5, चूंकि 5 थ्रीज़ आ 15। याद रखेंगे ये जो ओमेगा क्यूब है ये किस चीज के इक्वल होता है 1 के, और 1 की पावर जो भी रिजल्ट 1, ये भी क्या जाएगा 1, और 1 की पावर जो भी रिजल्ट क्या आ जाएगा मेरे पास बेटा 1। सो जस्ट मेरे पास आ जाएगा 1 ओवर ओमेगा प्लस 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर। हमने कल पढ़ा था कि ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिट इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर, ये जो 1 ओवर ओमेगा था इसको हमने लिखा था किस चीज के इक्वल ओमेगा स्क्वायर के, और 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर क्या था मेरे पास ओमेगा, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किस चीज के इक्वल होते हैं -1 के इक्वल होते हैं -1। ये बेसिकली हमने क्या किया है जो एप्लीकेशन थी हमारे पास की बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिट, उनको अप्लाई करके आपने किसी के से सिंप्लीफाई कर लिया है इसको जी, क्लियर है? ठीक है, इसको करें फर्दर, इसका एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि एक्सरसाइज आपकी क्या हो जाएगी वाइंड अप हो जाएगी। अच्छा देखिएगा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की हेल्प से अगेन जो प्रूव करने के लिए कह रहा है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू सोन, ये जो फैक्टर्स हैं हम इसकी राइट हैंड साइड कंसिडर करेंगे और लेफ्ट इससे प्रूव करेंगे। राइट हैंड साइड है एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई ओमेगा स्क्वायर जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जी है। आपने करना ये है कि इस फैक्टर को एज इट इज लेने देना है और इनका आपस में प्रोडक्ट लेना है, लाइक एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू, जब प्रोडक्ट लेंगे एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर एक्स इंटू दिस वन प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई एक्स इंटू दिस वन प्लस ओमेगा एक्स जेड। ओके, ओमेगा वाई को कंसिडर करेंगे, तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा एक्स वाई, यहाँ में मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा क्यूब वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर, और ओमेगा को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई जी है। इसको कंसिडर करते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा मेरे पास प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स जेड, यहाँ मल्टीप्लाई किया, जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा फोर वाई जेड, जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा क्यूब जेड इंटू जेड जेड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, जस्ट इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके आपने ये स्टेटमेंट बना दी है, जहां पर ओमेगा क्यूब है ये किस चीज के इक्वल हो जाएगा 1 के, ओमेगा क्यूब किस चीज के इक्वल हो जाएगा 1 के। ठीक, तो x प्लस वाई प्लस जी इंटू ये स्केयर भी टर्म लिख देंगे एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर आ जाएगा, तीनों टर्म्स आ गई हैं। अब सुनेंगे एक्स वाई वाली टर्म होनी चाहिए, तो मेरे पास लिखा हुआ देखिएगा ओमेगा स्केयर एक्स वाई और ओमेगा एक्स वाई, तो वो जो मेरी तरफ रखेंगे यहां से मैं एक्स वाई कॉमन ले रहा हूं, यानी मेरे पास आ जाएगा प्लस एक्स वाई और साथ में क्या आ जाएगा ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा। ओके, एक्स वाई के बाद क्या होना चाहिए वाई जी, वाई जी ये ओमेगा स्केयर वाई जेड और ओमेगा फोर वाई जेड लिखा हुआ है, तो बेसिकली ये जो ओमेगा फोर है ये इक्वल होगा किसके ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा के, और ओमेगा क्यूब किस चीज के इक्वल हो जाएगा वन के, यानी ये ओमेगा वाई जी लिखा हुआ है। ओके, इसको कंसिडर कर रहा हूं मैं ओमेगा स्केयर वाई जी और ओमेगा वाई जी, तो यहां से मैं वाई और जी को क्या ले रहा हूं कॉमन, तो क्या बच जाएगा यहां पर ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा, और फिर मेरे पास क्या चाहिए एक्स जेड ओमेगा एक्स जेड और ओमेगा स्केयर एक्स जेड, तो यहां से मैं क्या कॉमन लूंगा बेटा एक्स जी कॉमन, तो क्या बच जाएगा ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, ये ऑल टुगेदर यहां पर स्टेप करके आपने कॉमन भी ले लिया, हमें पता है ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा माइनस वन एंड माइनस वन है, तो ये स्टेटमेंट मेरे पास आ जाएगी एक्स प्लस वाई प्लस जी
इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स वाई प्लस माइनस माइनस वाई जी एंड प्लस माइनस माइनस एक्स जेड आ जाएगा आपके पास। और ये फार्मूला होता है, इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास डेल्टा आता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जी। तो लेफ्ट हैंड साइड ली, मल्टीप्लाई किया, क्यूब रूट्स ऑफ इनफिनिटी को यूज किया और फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा दैट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ जाएगी आपके पास ये। ठीक है, लेट वन प्लस ओमेगा इंटू वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू वन प्लस ओमेगा फोर, यानी ऐसे फैक्टर्स हैं और ये कितने टाइम अपीयर हो रहे हैं, टू एन टाइम्स। ऐसे फैक्टर कितने हैं ये, टू एन टाइम्स। तो आपके पास क्या था कि इसका रिजल्ट किस चीज़ के इक्वल होना चाहिए, वन के इक्वल होना चाहिए आपके पास। ठीक है, याद रखिएगा वी नाउ ये जो वन प्लस ओमेगा है ये किस चीज़ के इक्वल होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर के। वन प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू भी आप जानते हो माइनस ओमेगा है। देन क्या लिखा हुआ, वन प्लस ओमेगा फोर, सामने देखेंगे वन प्लस ओमेगा फोर, इसका मतलब है वन प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब। ओमेगा फोर को मैं ये लिख सकता हूँ और ओमेगा क्यूब किस चीज़ के इक्वल हो गया, वन के। तो वन प्लस ओमेगा किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा फिर अगेन, माइनस ओमेगा स्क्वायर के। समझ आ गई बात की, वन प्लस ओमेगा एट, वन प्लस ओमेगा एट यानी वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा सिक्स, और ओमेगा सिक्स किस चीज़ के इक्वल होगा, वन के। ठीक है, ओके, और वन प्लस ओमेगा स्क्वायर किस चीज़ के इक्वल है, माइनस ओमेगा के। अब यहाँ से सिमेट्री क्या बन रही है, इसकी जगह पे लिखोगे माइनस ओमेगा स्क्वायर, इस फैक्टर की जगह पे माइनस ओमेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा, फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा एंड सो ऑन, ऐसे चलते जाएंगे ये फैक्टर्स। समझ आ रही है बात की, ये जो इन्फॉर्मेशन है इसकी लेफ्ट हैंड साइड को क्या बनाएगी ज़रा देखिएगा, वन प्लस ओमेगा मीन्स माइनस ओमेगा, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर मीन्स माइनस ओमेगा स्क्वायर, वन प्लस ओमेगा फोर मीन्स माइनस ओमेगा, वन प्लस ओमेगा एट माइनस ओमेगा स्क्वायर। फिर क्या आएगा, देखो एक के बाद वापस रिपीट हो रही है टर्म्स, माइनस ओमेगा फिर माइनस ओमेगा, ऐसे करते करते कहाँ तक, टू। ऐसे फैक्टर्स कितने हैं बेटा, टू एन फैक्टर्स हैं, ऐसे फैक्टर्स कितने हैं ये, टू एन फैक्टर्स हैं, यानी मैं लिख सकता हूँ माइनस ओमेगा इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर टू एन, यानी ये जो फैक्टर्स हैं कितनी दफ़ा अपीयर हो रहे हैं, जैसे मैं कहता हूँ के टू टू टाइम अपीयर हो रहा है तो मैं क्या लिखता हूँ, टू की पावर टू, थ्री फोर टाइम अपीयर हो रहा है तो थ्री की पावर फोर। अच्छा मैं कहता हूँ ये फैक्टर्स टू एन टाइम्स अपीयर हो रहे हैं तो इन फैक्टर्स की पावर टू एन आ जाएगी। क्लियर, अब ये जो पावर टू एन है ये इसको भी असाइन करें इसको भी असाइन करें, चलें माइनस ओमेगा की पावर टू एन, यानी ये भी टू एन टाइम्स, माइनस ओमेगा स्क्वायर पावर ये भी कितने आ रहे हैं, टू एन टाइम्स। याद रखिएगा ये जो 2n है ये हमेशा किस चीज़ के इक्वल होता है, कोई इवन नंबर बनता है, हमेशा क्या बनता है, कोई इवन। तो हमें पता है कि किसी नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है, यानी ये बन जाएगा मेरे पास ओमेगा पावर 2n, ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर की पावर क्या आ जाएगा, 2n। एक तो ये मेथड है, ठीक है, एक इसके अलावा मेथड आप यूज़ कर सकते हैं वो क्या है, वो ये है माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब, पावर क्या है इसकी, टू एन। ठीक है, और ओमेगा क्यूब किस चीज़ की इक्वल होता है, वन, और वन की पावर क्या लिखा हुआ है, टू एन, और वन की पावर जो भी रिजल्ट क्या आएगा, वन ही आएगा। तो ये आपने प्रूव करना था कि इन सब फैक्टर्स जो टू एंड टाइम्स अपीयर हो रहे हैं रिजल्ट किस चीज़ के इक्वल होना चाहिए, वन के इक्वल होना चाहिए। दिस इज़ ऑल अबाउट क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, जो आपका जो लेक्चर है जो टॉपिक है इस बुक के अकॉर्डिंग से अगर हम देखें तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ऑल टुगेदर आपको ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देती है और यहाँ से ही आपका क्या बन सकता है, पॉसिबल क्वेश्चन बन सकता है। डू इट।